सो गाइस शाओमी ने रिसेंटली लॉन्च किया है रेडमी नोट 5 जो कि रेडमी नोट 4 का सक्सेसर है। सो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और कुछ फर्स्ट इंप्रेशंस और हैंड्स ऑन देखेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल, आप देख रहे हैं हाईटेक निर्मल यूट्यूब चैनल और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अनबॉक्स करते हैं इस रेडमी नोट 5 को। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस बॉक्स हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। बॉक्स में अगर हम देखें सो फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं इंडियाज़ नंबर 1 फ़ोन और नीचे की तरफ रेडमी नोट 5 लिखा हुआ देखने को मिलता है। बैक साइड में हम देखते हैं तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इट्स नॉट मेड इन इंडिया, इट्स जस्ट असेंबल्ड इन इंडिया। और ये 3GB 32GB मॉडल है। इसका प्लास्टिक रैप हमने निकाल दिया बॉक्स का और बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पहले हमें मिलता है कुछ, देखते हैं बॉक्स एक इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें कवर देखने को मिलता है, सिलिकॉन केस है, सो इट्स प्रेटी गुड की केस मिल रहा है। फिर उसके बाद है फ़ोन काफ़ी ऑसम है, इट्स जस्ट लुक ऑसम। और फ़ोन को हम रखते हैं साइड में, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। सो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है आई गेस, सो या कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, यूज़र गाइड एंड स्टफ़। उसके बाद इनको हम साइड में रखते हैं, देखते हैं और क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। केबल जो कि USB to Micro USB है, नॉट अ टाइप सी केबल। और उसके बाद एक चार्जर मिलता है जो कि एक नॉर्मल चार्जर है, 5V 2A का। फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है ये फ़ोन, बट स्टिल फास्ट चार्जर नहीं मिला। फिर हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। और बाकी चीज़ें साइड में रखते हैं, बातें एक्चुअल फ़ोन की तरफ। सो फ़ोन का ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। अगर हम पहले कवर फिट करके देखते हैं तो कवर फिट्स रियली वेल। और फ़ोन के टॉप में हमें 5MP का फ्रंट कैमरा और एक LED फ्लैश देखने को मिलता है। 5.99 इंचेस की स्क्रीन है। नीचे की साइड अगर हम देखते हैं तो एक USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, स्पीकर और माइक्रोफोन देखने को मिलता है। साइड में हमें सिम ट्रे देखने को मिलता है जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। यहाँ पर आप एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड या फिर दो सिम कार्ड लगा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। और ऊपर की तरफ 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है, सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर देखने को मिलता है Xiaomi के, जो कि हर एक फ़ोन में देखने को मिलता है। पीछे साइड हमें जो है 12MP का एक रेयर कैमरा मिलता है, या इट्स नॉट अ ड्यूअल कैमरा। उसके नीचे हमें LED फ्लैश और उसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। उसके बाद हमें एक स्टिकर देखने को मिलता है, सो इस स्टिकर को हम निकाल देते हैं, साइड में रखते हैं। उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंटीना बैंड्स ऊपर और नीचे दोनों साइड ही देखने को मिलते हैं, दैट्स इट। और दूसरे साइड अगर हम देखते हैं सो यहाँ पर आपको जो है वेल बिल्ट डिज़ाइन देखने को मिलती है, मेटल बॉडी यूनिबॉडी डिज़ाइन है, सो इट्स प्रेटी गुड। और इसे बूट अप कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं। जब तक ये बूट होता है मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ बता देता हूँ। सो आपको यहाँ पर 5.99 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है। बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और 13MP का एक रेयर कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 5MP कैमरा, टॉप में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक। ये फ़ोन जो है स्नैपड्रैगन 625 Qualcomm की तरफ से आने वाले प्रोसेसर पे काम करता है। इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है, बट इसमें कोई फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता है। और इट्स प्रेटी सैड थिंग, इसमें आपको MIUI 9 तो मिलता है, इट्स नॉट अ सैड थिंग, बट Android 7 जो देखने को मिलता है इट्स प्रेटी सैड थिंग। इसमें आपको Android Oreo मिलना चाहिए था। तो फ़ोन हो चुका है अनलॉक और इसको मैंने जो है सेटअप कर लिया है। सेटिंग में जाके आपको मैं दिखा देता हूँ कि एंड्रॉइड 7 अबाउट फोन में यहाँ पर जाते हैं, टॉप में ही हमें अबाउट फोन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 7 नोवर्ट देखने को मिलता है, इट्स अ प्रीटी सैड थिंग एज ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड्रॉइड ओरियो देखने को मिलता था, देखते हैं अपडेट्स के साथ एंड्रॉइड ओरियो मिलता है या नहीं। Xiaomi के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अपडेट्स के मामले में कितना स्टेबल है Xiaomi। सो ये कुछ फ़ोन की डिटेल्स ही। और अब आ जाते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ। तो फ़ोन के कैमरा को ओपन करके ये अलाउ मांग रहा है, सो इसे अलाउ कर देते हैं, कुछ परमिशन मांग रहा है, सो यहाँ करना ही पड़ेगा अलाउ। और कुछ सैम्पल क्लिक्स करके देखते हैं, सो ये देख सकते हैं। और फ्रंट में आते हैं, देखें यहाँ, दैट्स इट। सो फ्रंट में भी कुछ फोटोज़ क्लिक करके देखते हैं। सो कैमरा देखते हैं, फ्यूचर में आपको बताता हूँ कैमरा शॉट्स कैसे हैं। इफ़ यू वांट रिव्यू ऑफ दिस फ़ोन जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसका रिव्यू बना दूंगा। और फ़ोन तो फर्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं, फ़ोन की डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है। 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ इसका डिस्प्ले आता है जो कि 5.99 इंच का स्क्रीन बना देता है। और ये रेडमी नोट 4 का सक्सेसर है। इसके बाद एक और फ़ोन है रेडमी नोट 5 प्रो, उसके अनबॉक्सिंग भी जल्दी हमारे चैनल पर अपडेट